हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीफा के बारे में, यानी सीता फल के बारे में। ये एक ऐसा फल है जिसके पूरे पेड़ से हमें बहुत ही फायदा होता है, चाहे वो इसका बीज हो, फल हो या फिर इसके पत्तियां। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। इससे हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये बहुत ही मीठा फल होता है और ये तृप्तिकारक फल होता है। इसके निरंतर उपयोग से आप बहुत सारी समस्याओं से भी छुटकारा पाते हैं। इसमें आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, आइए मैं बताती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करके कैसे और किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। शरीफा यानी सीता फल से आप पितृदोष, वात दोष और हृदय की सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। अगर आपको पेचिस है या फिर अतिसार है, गठिया है, फोड़ों के लिए भी ये बहुत ही उपकारी होता है। साथ ही अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, साथ ही बालों का झड़ना कम होता है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी है, जैसे अगर गर्मियों के दिनों में आपके शरीर में जलन होती है, तो इसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एंटी एजिंग तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बढ़ती उम्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर किसी को पेचिस या अतिसार हो जाता है तो उसे शरीफा के कच्चे फल को, यानी सीता फल के कच्चे फल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर गुनगुने पानी के साथ देने से आपकी पेचिस और अतिसार खत्म होती है। अगर किसी को सूखे का रोग है और वो मोटे होने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, इसके बावजूद वो मोटे नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी शरीफा बहुत फायदेमंद है। रोजाना एक शरीफा खाने से आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं और सूखेपन से छुटकारा पाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मीठा फल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती है। अगर अल्सर या एसिडिटी होती है तो इसके लिए आप बहुत ही फायदेमंद होता है शरीफा यानी सीताफल। अगर आपको कहीं फोड़े हो जाते हैं तो शरीफा के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें और फोड़ों के ऊपर लगा दें। ऐसा निरंतर 2 से 3 बार करने से आप फोड़ों से छुटकारा पाएंगे। अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या 2 मुहे हैं या सफ़ेद हैं, तो इसके लिए भी शरीफा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप शरीफे के बीज को बकरी के दूध में घिस के अपने सर पे लगाएं। ऐसे सिर्फ 15 से 20 दिन करने से आप झड़ते बालों से छुटकारा पाएंगे और साथ ही नए बालों को आते देखेंगे। दोस्तों, इसके निरंतर उपयोग से आप काले, घने और लंबे बाल पाएंगे। इसे लगाने के बाद किसी भी मोटे कपड़े से अपने सर को लपेट लें ताकि आपके बाल जल्द ही निकल आए और ये आपके लिए बहुत ही असरकारक हो। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि इसको आँखों में नहीं लगाना है, आँखों से दूर ही रखें, क्योंकि ये आँखों के लिए जहर ही हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में जलन होता है, गर्मी की वजह से आपका शरीर गर्म रहता है, तो इसके लिए शरीफे के गुद्दे का शरबत बना के पीने से आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है और आपके शरीर में जलन बहुत जल्द खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ये आपके पाचन तंत्र को सही करता है, जिसकी वजह से आप खाना आराम से हजम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम शरीफे यानी सीता फल के बीज को चूर्ण बना के रोजाना 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो इससे हमारा पाचन शक्ति भी सही होती है, साथ ही ये हमारे एंटी एजिंग का भी काम करता है, हार्ट बीट सही रखता है। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है और हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं। दोस्तों, इसी फल के एक बड़े आकार के फल होते हैं, जिसे हम कहते हैं राम फल। इस फल के उपयोग से आप हृदय की जटिल से जटिल बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये फल आपके हृदय के लिए यानी आपके हार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप हार्ट से रिलेटेड सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, शरीफा एक फल होने के बावजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि और साथ ही इसके पूरे पेड़ के हिस्सों में से हमें औषधि के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण मिलते हैं। तो आप भी इन सब का इस्तेमाल करके निरोग जीवन जी सकते हैं और हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू तरीकों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, फिट रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू।